जय श्री कृष्ण। एक समय की बात है, एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। मूर्तिकला के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उसने अपने संपूर्ण जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया था। परिणामतः वह इतना फेमस हो गया कि उसकी बनाई हर मूर्ति जीवन प्राप्त लगती थी। उसकी बनाई मूर्तियों को देखने वाला उसकी कला की बुरी बुरी प्रशंसा करता था। उसके गांव में नहीं बल्कि उसकी कला के दूर दूर तक चर्चे थे। नगर गांव में सब जगह उसके चर्चे होने लगे थे। ऐसी स्थिति में जैसे सामान्य होता है वैसे ही मूर्तिकार के साथ भी हुआ। उसके अंदर घमंड हो गया, अहंकार की भावना जागृत हो गई। वह स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार समझने लगा। उम्र बढ़ने के साथ जब उसका अंत समय निकट आने लगा तो वह मृत्यु से बचने की युक्ति सोचने लगा। वह किसी भी तरह स्वयं को यमदूत की दृष्टि से बचाना चाहता था ताकि वह उसके प्राण ना हार सके। अतः उसने एक युक्ति सूझ गई। उसने अपनी बेमिसाल मूर्ति कला का प्रदर्शन करते हुए ऐसी 100 मूर्तियों का निर्माण किया। सभी मूर्तियां देखने में हूबहू एक समान थी। मूर्तियां बनाने के पश्चात सभी मूर्तियां इतनी जीवन पर्याप्त लगती थी कि मूर्तियां और मूर्तिकार में कोई अंतर ही नहीं रहा। मूर्तिकार उन मूर्तियों के मध्य जाकर बैठ गया। युक्ति अनुसार यमदूत का उसे इन मूर्तियों के मध्य पहचान पाना असंभव था। उसकी युक्ति कारगर भी सिद्ध हुई। जब यमदूत उसके प्राण हारने आया तो वह बारीकी से सब मूर्तियों को देखकर चकित रह गया। वह उन मूर्तियों में कोई अंतर ही नहीं कर पा रहा था, किंतु उसे ज्ञात था कि इन्हीं मूर्तियों के बीच कहीं मूर्तिकार छुपा बैठा हुआ है। मूर्तिकार के प्राण हारने के लिए उसकी पहचान आवश्यक थी। उसके प्राण न हार पाने का अर्थ था प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाना। प्रकृति के नियम के अनुसार मूर्तिकार का अंत समय आ चुका था। मूर्तिकार की पहचान करने के लिए यमदूत हर मूर्ति को तोड़कर देख सकता था, किंतु वह किसी की कला का अपमान नहीं करना चाहता था। इसलिए इस समस्या को उसने एक अलग ही तोड़ निकाला। उसने मूर्तिकार के अहंकार का बोध था, अतः उसने अहंकार पर चोट करते हुए कहा कि वास्तव में मूर्तियां तो बहुत अच्छी बनी हैं, परंतु इनमें एक कमी है। अगर वो मूर्तिकार मेरे सामने होता तो मैं उसे उसकी त्रुटि से अवगत करा पाता। मूर्तिकार अहंकारी था और अपने अहंकार में बोल उठा कि बताओ इनमें कौन सी मूर्ति में किस क्या कमी है, मेरी बनाई मूर्ति में कभी कोई कमी नहीं होती। यमदूत की युक्ति काम कर चुकी थी। उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया और बोला, बेजुबान मूर्तियां बोला नहीं करती और तुम बोल पड़े, यही तुम्हारी त्रुटि है। अपने अहंकार पर तुम्हारा कोई बस नहीं है। और यमदूत उसे अपने साथ यमलोक वापस लेकर चला गया। अहंकार विनाश का कारण है, इसलिए अहंकार को कभी भी खुद पर हावी मत होने दीजिए। कभी किसी चीज़ का घमंड मत कीजिए, गरूर मत कीजिए, क्योंकि समय सबसे बलवान है। आज अच्छा है, कल बुरा होगा तो फिर अच्छा आएगा। इसलिए प्लीज़ अहंकार मत कीजिए। अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।